हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सैम, आप देख रहे हैं टेक्निक इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं कि अपने फोन से कोई भी ईमेल आईडी कैसे डिलीट करें। जी दोस्तों, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि कोई भी ईमेल आईडी जो आप लॉगिन किए रहते हैं उसको आप डिलीट कैसे करेंगे। मैं रिमूव करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परमानेंट डिलीट करने की बात कर रहा हूँ। देखिए, रिमूव करना मतलब ये होगा कि आप अपने अकाउंट से उसको रिमूव कर देंगे, अपने फोन से उसका पासवर्ड डाल के आप उसको दोबारा लॉग इन कर सकते हैं। मैं परमानेंट डिलीट करने की बात कर रहा हूँ। वो डिलीट करने के बाद आपका वो ईमेल आईडी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, आपका जो भी डाटा रहेगा सब कुछ उसमें से डिलीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, आप उसको दोबारा लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो मैं ऐसा डिलीट करने की बात कर रहा हूँ। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बाकी अगर आपको अपने डिवाइस से कोई भी ईमेल रिमूव करना है उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी ऑलरेडी मेरे जिस चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है उसको देख सकते हो। अभी हाल ही में उसको डाला है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा अगर आपको ऐसा करना है। पर अगर आपको ईमेल आईडी परमानेंटली डिलीट करना है तो आप इस वीडियो को लाकर जरूर देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसा डिलीट करना है। चलिए मैं आपको बता दूँ, करना कि आपको कोई भी अपना क्रोम ब्राउजर या फिर गूगल ओपन कर लीजिएगा। वहाँ पे बस सिंपली सर्च कर लीजिएगा डिलीट माई गूगल अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, अच्छा कुछ यहाँ पे सर्च करना है डिलीट माई गूगल अकाउंट। इतना जब सर्च करोगे तो आपके सामने इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। फिर जो पहला वेबसाइट है जो कि support.google.com है, इस पर आपको नहीं जाना है। इस पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको बस जहाँ पे आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे बस आपको स्टेप बाई स्टेप बताएगा डिलीट कैसे करना है। मैं आपको यहाँ डायरेक्ट वेबसाइट का नाम बता दूँ, सबमिट करना है गूगल का ही है। यहाँ पे जो support.google.com है, इस बात पर ओपन करना है। यहाँ पे आप देखेंगे myaccount.google.com है, इसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे देख सकते हो डिलीट सर्विस और अकाउंट ऐसे करके यहाँ लिखा दिया, इसको आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि आपको कोई गूगल की सर्विस डाउनलोड करनी है या आपको सारा डाटा अगर आपको डाउनलोड करके अपने ईमेल से तब डिलीट करना है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ से आप अपना सारा डाटा डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको अपना अकाउंट ही डिलीट करना है तो भी आप यहाँ से कर सकते हो। मेक ए प्लान फॉर योर अकाउंट, और ऐसे कई लोग होते हैं उसको प्लान भी लेते हैं ना कि स्टोरेज बढ़ाने का, ड्राइव वगैरह का, तो भी आप यहाँ से कर सकते हो। पर हमें क्या करना है, अकाउंट डिलीट करना है, तो मैं इस वाले ऑप्शन पर यूज करूँगा क्योंकि इसी से आपका ईमेल आई डी डिलीट होगा। तो डिलीट योर अकाउंट पर क्लिक करेंगे यहाँ से, और जिस भी ईमेल आई डी को आप डिलीट करना चाहते हैं उसका पासवर्ड आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको पासवर्ड नहीं पता रहेगा आप उसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। और डिलीट करते टाइम एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपके फोन में कई सारी ईमेल आ रही है तो यहाँ ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप फोन भी कर रहे हो तब भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, अगर आप पीसी से कर रहे हो तभी आपको देखने को मिल जाएगा, या लैपटॉप से कर रहे हो तो यहाँ से उस आईडी उस ईमेल आईडी को चूज कीजिएगा जिसको डिलीट करना है, लेकिन उसे जिसे नहीं डिलीट करना है। जैसे मुझे ये वाला जो ईमेल आईडी है इसको मुझे क्या करना है, डिलीट करना है, तो मैं इसको चूज कर लिया। इसका जो पासवर्ड होगी यहाँ पे आपको पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी यहाँ डिलीट करने के लिए। अगर आपका पासवर्ड नहीं आया तो आगे पासवर्ड करके पहले आप अपना पासवर्ड रिसेट कीजिए, और उस तरीके से करने के बाद तब आप यहाँ पे आए इस स्टेप को कीजिएगा तब आपका होगा। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको क्या करना है, बस नेक्स्ट कर देना है। आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो थोड़ी देर सर्च होगा, उसके बाद देखिए मैंने अपने ई मेल आई डी पे टू स्टेप वेरीफिकेशन लगा रखा है, इसलिए पहले वेरीफाई कर रहा है कि मैं ही डिलीट कर रहा है फिर कौन कर रहा है। तो अभी इस पर मेरे नंबर पर पहले ओ टी पी जाएगा, उसके बाद डिलीट होगा। अगर आपने टू स्टेप वेरीफिकेशन नहीं लगे लगाया होगा तो आपका डिलीट करने का ऑप्शन सीधे दे देगा कि आप डिलीट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, कंफर्मेशन वगैरह के लिए। सो पहले मैं अपने लिए वेरीफाई कर दूँ कि ये मेरा ये अकाउंट है, तो वेरीफाई कर दूँ फिर आपको आगे बताते हैं। बस ओ टी पी अगर वेरीफिकेशन आ गया ऑन किए हैं तो ओ टी पी यहाँ पर डाल के नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ी देर सर्च करेगा, बाकी उसके बाद आप यहाँ पे दे देगा कि कृपया इस जानकारी को ध्यान से पढ़ें, इसे समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपको यही बताएगा कि अगर आप ये अकाउंट डिलीट करना करते हैं तो आपका सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। अगर आप इस अकाउंट के जरिए गूगल की कोई भी सेवा या फिर कुछ भी आपकी पॉलिसी या कोई भी बैंक या कोई भी ऐसा होता है नहीं, कुछ लोग उसे परचेज करते हैं या कुछ भी किए रहते हैं, जो भी सेवा रहेगी वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी, आपका पैसा वगैरह कोई भी रिफंड नहीं होगा। अगर इस ईमेल आई डी के द्वारा आपने कोई ट्रांजेक्शन वगैरह किया तो वो भी आपका हो सकता है गड़बड़ हो जाए, या फिर जो भी चीज़ें होंगी वो भी आपको वापस नहीं आएगा। यहाँ पे इस पर बातचीत उठा दी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका ये भी चीज़ देगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ से आपके डिलीट हो जाएंगे। जैसे मेरे ईमेल पर तीन पर ईमेल आया तो ये डिलीट हो जाएगा, बाकी यूट्यूब खाता भी मेरा डिलीट हो जाएगा, जो कैलेंडर पर मैंने लॉग इन किया था ये डिलीट हो जाएगा, प्ले स्टोर से भी सारे डिलीट हो जाएंगे। तो आप इसको चाहे तो एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, अगर आपको पढ़ना है कि आप क्या क्या चीज़ें आपको डिलीट होंगी, क्या क्या चीज़ें होती है, उसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ नीचे लिखा भी है कि
एक इंस्टॉल किया गया है, हाल ही में इंस्टॉल किया गया, तो मतलब इसी में भी द्वारा मैंने एक ऐप इंस्टॉल किया, तो मुझे इसकी डेट दिखा रहा है, इसको देख के आप परेशान ना होइएगा। बाकी जब आप टोटल पढ़ लीजिएगा, आपका पूरा कन्फर्म हो जाएगा हाँ मुझे डिलीट करना है, तो आप अगर आपको कन्फर्म आपको डिलीट करना है कोई भी दिक्कत है, तो सीधे आप चेक का सिंबल लगा के आप फायदा हटा के क्लिक कर देंगे हट जाएगा यहाँ से। बाकी अगर आपको यहाँ पे पढ़ना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किसी को बताना है कि डिलीट करते टाइम क्या होना है, तो आप इसका पढ़ नहीं सकते, तो यहाँ पे इसको करना पड़ेगा कि हाँ स्वीकार करता हूँ कि किसी भी दलित विद्यालय की वजह से करने वाले सभी स्कूलों के लिए मैंने जवाब दिया होगा, बाकी हमें अपना गूगल खाता डिलीट करना चाहता हूँ, सभी डेटा हस्तांतरित करना चाहता हूँ, तो ऐसे करके आप यहाँ से डिलीट कर सकेंगे। बस चेक का सिंबल लगेंगे, खाता हटा उस पर क्लिक करेंगे, खाता हटा पे क्लिक करते जब यहाँ पे आ जाएगा साइन आउट किया गया, सिंक करना रोक दिया गया। जहाँ दोस्तों आप यहाँ से देखिए आपके इतिहास पास जो भी जो अकाउंट था इसके जरिए जो भी आपका ईमेल था वो आपसे डिलीट कर दिया गया है। ठीक दोस्तों, अगर यहाँ भी एक चांस आपका रहता है कि जैसे कुछ लोग होता है ऐसे करते हैं तो गलती से हो जाता है, वीडियो बनाते टाइम ऐसे करते हैं और गलती से हो जाता है, तो आप भी यहाँ से कर सकते हैं, जैसे डिलीट हो गया तो तुरंत आप यहाँ से फिर से साइन इन कर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। लेकिन अगर आपको नहीं करना है तो आप यहाँ डेटा क्या कर देना, जारी रखते हैं, जारी रखने के बाद आपका गूगल खाता और उसका सारा डेटा हटा दिया गया है। अब अगर आपने अपना गूगल खाता गलती से हटा दिया हो तो आपके पास उसे वापस पाने के लिए थोड़ा समय है, अपना खाता वापस पाए। यहाँ पे देखिए अभी भी लिखा हुआ है, कुछ लोग होते हैं वीडियो बनाते टाइम या कैसे भी करके गलती से डिलीट अगर आपसे हो जाता है तो आप वहाँ से वापस पा सकते हैं थोड़े टाइम के, और मुझे उसको वापस लाना नहीं है, तो ये ही दिक्कत है। जी दोस्तों, मेरा ये जो ईमेल आई था पूरी तरीके से डिलीट हो गया। अगर आपको भी डिलीट करना है तो ऐसे करके आप भी अपना ईमेल आई डिलीट कर सकते हैं और उसका सारा डाटा मिटा सकते हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी और ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।